दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1983 में आई पांच बड़ी फिल्मों के बारे में। साल 1983 में जो पांच फिल्में टॉप पांच में रही थी उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर इनकी परफॉर्मेंस तक। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि साल 1983 में जो टॉप पांच फिल्में आई थी उनमें से पाँचवें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। पाँचवें नंबर पर थी अंधा कानून। ये फिल्म आई थी 8 अप्रैल 1983 को। अमिताभ बच्चन साहब, हेमा मालिनी और रजनीकांत इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे रामा राव। बजट था इस फिल्म का 2 करोड़ 10 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ रुपए की। और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं चौथे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। हिम्मतवाला, जितेंद्र साहब की बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। गाने भी अच्छे थे इस फिल्म के और 25 फरवरी 1983 को आई थी ये फिल्म और इस फिल्म में जितेंद्र साहब के साथ श्रीदेवी भी मुख्य किरदार में नजर आई थी। कादर खान भी थे इस फिल्म में और इस फिल्म के डायरेक्टर थे के रघुवेंद्र राव। बजट था इस फिल्म का 2 करोड़ रुपये और इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ रुपये की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ रुपये की। और ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और ये साल 1983 की टॉप पाँच फिल्मों में चौथे नंबर पर थी ये फिल्म। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि साल 1983 में जो टॉप पाँच फिल्में आई थी उनमें से तीसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था हीरो। जहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म है ये और इस फिल्म की जितनी तारीफें करें हम कम है। जैकी श्रॉफ, संजीव कुमार, शम्मी कपूर और मीनाक्षी इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे। 16 दिसंबर 1983 को आई थी ये फिल्म और इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। 1.5 करोड़ रुपए बजट था इस फिल्म का और इस फिल्म ने इंडिया में कमाए थे 6 करोड़ 20 लाख रुपए और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करके इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। और ये एक एक्शन ड्रामा रोमांस से भरपूर फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि साल 1983 में टॉप पाँच फिल्मों में दूसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। जहां दोस्तों दूसरे नंबर पर थी सनी देओल साहब की बेताब। ये फिल्म आई थी 5 अगस्त 1983 को। सनी देओल, अमृता सिंह, प्रेम चोपड़ा, शम्मी कपूर इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म की शूटिंग, जितनी भी शूटिंग हुई थी इस फिल्म की टोटल, वो सारी कश्मीर के बेताब वैली, पहलगाम से थोड़ा सा दूर है ये बेताब वैली, वहाँ पर हुई थी। और उस जगह का नाम बेताब वैली भी इसी वजह से पड़ा था क्योंकि वहां बेताब फिल्म की शूटिंग की गई थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रावल। बजट था इस फिल्म का 2 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर इतिहास रच दिया था। और ये एक फैमिली रोमांस से भरपूर फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और ये साल 1983 की टॉप पाँच फिल्मों में दूसरे नंबर की फिल्म थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि साल 1983 में टॉप पाँच फिल्मों में और सभी फिल्मों में नंबर वन कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था कूली। 2 दिसंबर 1983 को आई थी ये फिल्म। बहुत ही चर्चा में रही थी अमिताभ बच्चन साहब की ये फिल्म। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को चोट भी लग गई थी और अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, वहीदा रहमान इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई और प्रयागराज। बजट था इस फिल्म का 3 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 11 करोड़ रुपए की। और ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और ये साल 1983 की सभी फिल्मों में टॉप पाँच फिल्मों में भी और सभी फिल्मों में नंबर वन फिल्म थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इन पांचों फिल्मों में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।